है एक अलग ही टॉपिक पर और वो है बुक्स। मेरे दो किड्स है, एक मेरा जो सन है वो 14 इयर्स का है और मेरी डॉटर है वो 17 इयर्स की है और वो दोनों ही बुक्स पढ़ने के बहुत ही शौकीन है, तो इसीलिए हमने बहुत सारी बुक्स है वो ले रखी है। तो आज मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स है जो मेरे किड्स पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, और कई ऐसी सारी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो कि मेरे बच्चे छोटे थे तभी हमने ली थी, तो आप सबको मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर से पूरा देखना क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये देखिए, ये जो बुक है वो रिप्लीज की है, बिलीव इट और नॉट, और इसका कवर आप देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, बच्चों को देखने में ही पसंद आ जाता है। और ये इसकी जो आप देख रहे हैं कि 3D का इसमें एहसास होता है ये जो बुक है उसमें, और इसके अंदर इसका पेज पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया है और आप देख सकते हैं कि अंदर भी एकदम कलरफुल पिक्चर है, पेज की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और ये जो बुक्स है मेन वो क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंज पीपल होता है, कुछ हटके होता है, उसके बारे में ये जो है इंफॉर्मेशन देती है आपको, और फोटो के साथ साथ इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बढ़िया है वो, तो बच्चों को इसमें बहुत नॉलेज मिलता है और पिक्चर्स के कारण आप देख सकते हैं कि उन लोगों को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाई बुक वो ये जो उसका अगला पार्ट है और ये भी इसी तरह का बहुत ही बढ़िया पार्ट है। और आप अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो बुक्स है वो उसके आई थिंक 20 या 21 पार्ट है इसमें, और सभी पार्ट है वो उतना ही इंटरेस्टिंग है। और फ्रेंड्स, ये जो सारी बुक्स है मोस्टली हम लोगों ने जो बुक फेयर आता है उसी में से परचेज की है, आप देख सकते हैं बच्चों को इतना नॉलेज मिलता है और वो लोग ये जो पढ़ते हैं और हमारे साथ इनके बारे में ये लोग बातें करते हैं, तो मतलब आपको पता चलता है कि कितना उन लोगों को मजा आ रहा है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है, ये 2001 की है और हर साल में ये जो बुक है वो पब्लिश होती है और उस साल में जो जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं उसकी पूरे पूरी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। और आप देख सकते हैं कि उसमें भी इसी तरह के जो पेजेस है वो क्वालिटी में बहुत बढ़िया है और सब अलग अलग कैटेगरी इसमें होती है, मतलब स्पोर्ट्स की अभी आप ले लीजिए या फिर दुनिया की अलग अलग कोई भी चीज़ों की ले लीजिए, तो इसमें पूरे पूरे इंफॉर्मेशन होती है किस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सब लोगों ने, उन सभी का इसमें बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये अगली बुक है फ्रेंड्स, ये पिक्चर एनसाइक्लोपीडिया है और ये बुक है वो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये जो बुक है उसमें हमारी अर्थ जब बनी, मतलब के बिग बैंग से लेकर अभी तक की हमारी जो अर्थ है उसके बारे में सब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब जब से बनी तब से अब तक कितने इसमें, मतलब हम बोलते हैं कि कौन कौन से पीरियड्स हमारी अर्थ पर आए हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, देखिए ये डायनासोर से लेकर मतलब हमारे ह्यूमंस का जब ह्यूमंस का बर्थ हुआ तब तक का इसमें सब कुछ दिया गया है। और इसमें बढ़िया बात क्या है इन सभी बुक्स में कि इसमें पिक्चर दिए गए हैं, फोटोज है कलरफुल और उसके बाजू में आप देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन है, तो इनसे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल बना रहता है। देखिए ये ह्यूमन बॉडी है, मतलब सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ये बुक्स बहुत बढ़िया है। ये दोनों ही जो बुक है वो आप पिक्शनरी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें पूरे पूरी जो जानकारी है वो दी गई है पिक्चर के साथ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये साइंस फैक्ट्स है इसमें अलग अलग टाइप का, ये देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब सभी जो हमारे प्लैनेट्स है उसके बारे में है, बॉडी के बारे में है, एनिमल्स के बारे में है, कितने तो ऐसे एनिमल्स है जिनके बारे में हमें कभी सुना भी नहीं होगा, फूड के बारे में है, तो ये
बुक से उनमें पूरे पूरी सभी चीजों को ले लिया गया है। और ये जो है वो डिक्शनरी आप देख सकते हैं, इसी तरह की है। देखिए आप, सभी एनिमल्स है, ये अर्थ मतलब कब सब कुछ धीरे धीरे हमारी अर्थ पर डेवलप हुआ, इनसे लेकर सभी छोटी बड़ी चीजों के बारे में, आर्ट के बारे में, प्लेन्स के बारे में, प्लेनेट के बारे में, हाउस के बारे में, मतलब कोई भी ऐसा नहीं रह जाता टॉपिक जो कि इनमें उन लोगों ने समावेश न किया हो। ये आर्ट अटैक की बुक है डिज्नी की। अगर आपको पता हो तो ये जो प्रोग्राम है वो डिज्नी चैनल पर भी आता था। इनमें मतलब आपको मैं दिखाती हूँ कि अंदर बहुत सारा DIY है। बच्चों को कुछ भी चीजें बनानी हो तो वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, उन सभी का इसमें अच्छी तरह से मतलब डेमो दिया गया है और स्टेप के अनुसार ही दिया गया है, तो आप कुछ भी इसमें इजीली मतलब कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का कुछ भी नई नई चीजों बनाने में इंटरेस्ट हो, DIY करने में इंटरेस्ट हो, तो ये बुक बहुत बढ़िया है उनके लिए। ये बुक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बग्स और रेप्टाइल्स के बारे में है और इसमें ना एक इस तरह की आप देख सकते हैं कि टॉर्च लाइट दी गई है। ये देखिए इस तरह की, मतलब कि आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये इस तरह का इसमें पिक्चर है। अभी ये जो है टॉर्च, उसके अंदर हमें इसे डाल देना है और ये आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आपको जो भी देखना है, मतलब इसमें से आपने पूरी इंफॉर्मेशन सभी जो रेप्टाइल्स है या फिर बग्स है उनका फोटोज के साथ दी गई है। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें से फ्रॉग देखना है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से आप टॉर्च लाइट को ले जाएंगे तो ये जो फ्रॉग है वो आपको दिखाई दे सकता है। और अभी ये देख सकते हैं कि कोबरा है, तो आपने इस तरह से इसको मूव किया तो ये कोबरा दिखेगा। तो ये बच्चों को मतलब खेल खेल में ही बहुत ज्यादा इसमें से आपको मतलब इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बच्चों को मजा आता है और उनसे वो बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। देखिए ये इसी तरह से ये दूसरा पेज है, तो इसके अंदर आपने लगा दिया ये, और देखिए ये मतलब इस पेज पर पूरी इंफॉर्मेशन पिक्चर के सहित दी गई है। और यहाँ पर बच्चों को एक एक जो चीज़ है वो मतलब आप ढूंढने को बोलेंगे कि चलो भाई बटरफ्लाई कहाँ है या फिर कैटरपिलर कहाँ है या फिर बीज कहाँ है, तो वो इस तरह से उसे रिकग्नाइज भी कर सकते हैं और ढूंढ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। ये जो बुक है वो मशीन के बारे में है और आप देख सकते हैं कि ये पॉपअप बुक है, बहुत बढ़िया। ये तो बुक मतलब मेरा जो बेटा था वो बहुत छोटा था तब हमने उसके लिए ली थी, और आप देख सकते हैं कि जो भी मशीन है उसका इस तरह से पिक्चर है वो पॉपअप होता है इसमें, तो बहुत मजा आता है ना बच्चों को देखने में। देखिए ये कार है, देखिए बहुत बढ़िया है। देखो मतलब एक एक जो मशीन है उनका पॉपअप वाला पिक्चर भी है, उनकी इंफॉर्मेशन भी है और कलरफुल है, तो मजा ही आता है इसमें। देखिए इस तरह से इस तरह से ये घूमती भी है, बोट है वो, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए ये देखिए, ये बुक भी इसी तरह की है, ये जिग्सो पजल की बुक है और ये जो पूरी बुक है वो हॉर्स के ही पिक्चर इसमें है और उसी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। और इस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि ये जो पजल है पूरी इस तरह से अगर आप निकाल लेंगे और यहाँ पर जो भी हॉर्स की ये जो पिक्चर है उसी तरह से बच्चे हैं उनको यहाँ पर ये सब सेट करना होता है। तो मतलब अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इसमें से एक दो घंटे तो उसी में इसके निकल जाएंगे। देखिए ये, और साथ साथ में इंफॉर्मेशन भी है, तो ये बहुत बढ़िया है। देखिए आप, और इसी तरह की ये जो दोनों बुक्स है वो भी ये अर्थ के बारे में है, ये साइंस के बारे में है और ये भी मतलब जनरल नॉलेज ही इसमें मिलता है बहुत सारा। आप देख सकते हैं कि पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है।
और इसी तरह की ये जो दोनों बुक्स है वो बढ़िया है। और अभी फ्रेंड्स ये जो जो भी बुक्स आएगी वो मेरी डॉटर की है, वो 17 इयर्स की है तो उसका थोड़ा टेस्ट है वो अलग है। तो ये जो बुक है वो सभी जो हमारे वर्ल्ड के बेहतरीन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में है, उन्होंने क्या किया इसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं कि जो फेल हुए हैं, उन सभी के बारे में ये बुक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बुक। और अंदर इस तरह से देखिए पिक्चर भी है थोड़े थोड़े और इंफॉर्मेशन भी दी गई हुई है। ये है एलिस और वंडरलैंड और आई थिंक इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। और ये जो बुक है उसी ऊपर से ये जो मूवी था वो बना हुआ है और इसके कई सारे पार्ट है इस बुक के। ये फर्स्ट पार्ट है और अगर आपको पता हो तो एक गर्ल होती है जो कि मतलब जंगल में जाती है और रैबिट का होल होता है उसके अंदर से वो मतलब उसके अंदर वो स्लाइड होती है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। तो इसके बारे में ये स्टोरी है पूरे पूरी और बहुत बच्चों को पसंद आई उस तरह की है ये बुक। ये चेतन भगत की बुक है, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। और चेतन भगत तो सभी लोग जानते ही होंगे। ये बुक है वो तीन फ्रेंड्स के बारे में है, मतलब उन लोगों की लाइफ में वो क्या क्या स्ट्रगल करते हैं, क्या क्या पाते हैं। फिर ये जो पूरी बुक है वो गुजरात के ऊपर ही है, अर्थक्वेक जब आता है उस टाइम की इसमें स्टोरी है। तो ये बुक भी पढ़ने में मजा आता है। ये जो बुक है डू पोलार बेर गेट लोनली, तो ये जो बुक है उसके कई अलग अलग पार्ट भी है। और मेनली ये बुक में क्या है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और मेन तो हमारे बच्चों के दिमाग में मतलब चलते रहते हैं बहुत ज्यादा कॉमन, मतलब उनका आंसर कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता है, उसी तरह का इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसमें दिया गया है। तो मतलब आप अतरंगी बोल सकते हैं कि जो बच्चों के मन में ही ना बैठे बैठे मतलब कई ज्यादा ख्याल आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि फूल रात को बंद, या फिर मतलब कि एग होता है उसमें एक से ज्यादा योग कैसे हो सकते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि रोजमर्रा की लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में आते हैं, तो उसी उन सभी का आंसर द 14 और स्टार्स, ये जॉन ग्रीन की बुक है। और ये जो बुक है ये जो ऑथर है उसकी सभी बुकें बहुत ज्यादा अच्छी होती है और मेरी जो डॉटर है उसको बहुत ही पसंद है ये। और ये जो बुक है उसके ऊपर से दो मूवी बने हैं, इंग्लिश मूवी भी बना है और हिंदी मूवी भी है। अगर आपको पता हो जो अभी सुशांत सिंह राजपूत का मूवी आया था दिल बेचारा, ये इसी बुक के ऊपर से हुआ है, मतलब पूरा जो मूवी है वो। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एन फ्रैंक, ये जो बुक है वो एन फ्रैंक ने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है उसकी। और ये जो बुक है वो मतलब हिटलर के जो टाइम की बुक है, ये लोग जो थे वो किस तरह से हिटलर और उसके जो सोल्जर्स थे उससे 2 साल तक बचे रहे और क्या क्या परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ी उसमें, उस बारे में वो रोज रोज डायरी लिखती थी और उसी के बारे में ये जो बुक है वो है। ये एना सेवल की ब्लैक ब्यूटी बुक है और ये जो बुक है वो हॉर्स जो है उसके बारे में ही है और मतलब हॉर्स की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब कि जो हॉर्स होता है उसको मतलब कौन कौन फीलिंग आती है, क्या क्या मतलब कि उसका जो मेन मालिक होता है वो उसे बेच देता है और वो दूसरे मालिक के पास जाता है, उसके वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, फिर तीसरे इस तरह से वो अलग अलग जो उसका मालिक चेंज होता है तो क्या क्या एक्सपीरियंस उसमें होते हैं, और फिर वो लास्ट में लक बाई चांस उसका ओरिजिनल जो मालिक होता है उसके पास ही हो। ये ट्वाइलाइट है उसके पार्ट है और इनके बारे में तो मतलब सभी को पता ही होगा, मूवी भी इनका ऊपर से बना हुआ है और ये बुक वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बुक्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड्स ग्रोथ, अगर छोटी सी उम्र में ही बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो आगे चलकर उसका बेनिफिट बच्चों को ज़रूर से मिलता है। बुक्स हर एज ग्रुप के लिए होती हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट हो उस पर आप कई वेराइटी की बुक्स ढूंढ सकते हैं। बुक्स कई तरह की आती हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी होती है, मोटिवेशनल बुक्स आती है, जनरल नॉलेज बढ़ाने वाली बुक्स होती है,
करंट अफेयर, नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉलेज देने वाली बुक्स, या फिर आप कॉमिक बुक ले लीजिए, हॉरर, एक्शन एंड एडवेंचर वाली बुक ले लीजिए, या फिर मिस्टीरियस बुक ले लीजिए। तो बुक्स जो है वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होती है, क्योंकि बुक्स कह रहे थे आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। बुक सिर्फ हमें एंटरटेन ही नहीं करती है, बल्कि हमारा जनरल नॉलेज बढ़ाती है, लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करती है, हमें मोटिवेट करती है और हमारा ब्रेन डेवलपमेंट भी करती है। अगर बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए ये क्वेश्चन आपके मन में आता है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, समय बिताने के लिए, किसी बात को भुलाने के लिए, तनाव से बचने के लिए, माइंड को बिजी रखने के लिए, ये सब फ़ायदे बुक्स पढ़ने के होते हैं। तो फ्रेंड्स, बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो बुक्स को ज़रूर पढ़िए, इन्हें अपना दोस्त बनाइए और उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये कभी बेकार नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, ये सफारी है जो हर महीने हमारे घर आता है और इसमें भी बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन होती है और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ये भी हम लोग सभी ये लोग रीड करते हैं हम। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई अलग ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।